हाय एवरीवन, सो वेलकम इन दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये वीडियो है बैंक निफ्टी के ऊपर, जहां पे मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं इंट्राडे एंड वीकली ऑप्शंस वाले, उनके लिए ये एक तरह से एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक तरह से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हर कोई ट्रेडर चाहता है पैसे कमाना। इसीलिए जैसे हम हर मंथ करते हैं, इस मंथ भी हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। लेकिन बिलीव मी, ये जो एनालिसिस होने वाली है, ये आपके लिए आई ओपनिंग एनालिसिस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आपको ऐसा दिखाने वाला हूँ, शायद अभी तक कहीं पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा आपको कुछ नहीं दिखाया गया होगा। और मैं ये प्रूव करूंगा कि हिस्ट्री में जो चीज हुई थी, इस बार उससे जस्ट अपोजिट होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत 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 अफेक्टिव आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है बैंक निफ्टी पे ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। तो हाई एवरीवन, वंस अगेन शुरू करते हैं हमारे एनालिसिस। उससे पहले हम वेलकम कर लेते हैं अपने सारे टीम मेंबर्स का। सो ओम प्रकाश जी, शरद जी एंड प्रसाद, वेलकम टू यू ऑल सर। ये बहुत 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 ब्यूटीफुल एनालिसिस में, आई होप इसके बाद शायद आप बैंक निफ्टी को उस नजरिए से नहीं देखेंगे जिस नजरिए से अभी तक देखते आए हैं। सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर द चार्ट्स विद यू ऑल। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। यस, ग्रेट, डन। सो शरद जी, बिफोर वी मूव ऑन टू मंथली एनालिसिस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, क्या इसमें आपको कोई ऐसी चीज विजिबल है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है आपके एनालिसिस के लिए? कुछ ऐसा पैटर्न, कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है सर? एक चलिए तो एक काम करते हैं, मैं एक बार इसको दिखाने की कोशिश करता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। शरद जी, कैन वी से दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस? राइट सर। वी विल राइट दिस एज अ रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एंड कैन वी से दिस एज अ सपोर्ट, a very impactful support, right? So ये हम support देख लेते हैं, clear? तो सर, bank nifty जब से 2020 का covid हुआ था, तब से bank nifty एक rising किसमें चल रहा है? rising wedge form में चल रहा है। we can clearly see this कि जब से आज 4 साल होने को आ जाएंगे सर, 4 साल से ये rising wedge formation में है। तो डेफिनेटली इधर पे पहले हम दो चीज की एक 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 सिचुएशन ले लेते हैं, एनालिसिस ले लेते हैं कि पहला कि अगर ये राइजिंग वेज फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जोन है, बिकॉज यू ऑल बिलीव, मतलब वी नो दैट कि हम जोन के तौर पे लेते हैं, तो पॉसिबली ये पूरा एक जोन कहलाएगा। और अगर ये जोन कहलाएगा तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी नीचे भी आता है तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि 43,000 से लेके 42,800 यहाँ तक आ सकता है, राइट? तो ये 43,000 से 42,800 में यहाँ पे लिख देता हूँ, 43,000 से 42,800 ये एक जोन कहलाएगा। ये एक ब्रॉडर, मैं इसको ब्रॉडर जोन में डाल देता हूं, दिस इज अ ब्रॉडर जोन जो ये कहलाएगा। ये तो हो गया सपोर्ट टर्म्स पे, जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं कि चलो मान लेते हैं ये सपोर्ट भी हो गया, दिस इज अ सपोर्ट, क्वाइट विजिबल सपोर्ट। तो ये सपोर्ट हो गया आपके ब्रॉडर टर्म्स पे, राइट जी। अब शरद जी, इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा? देखिए, मैंने फिर बोला था जो चीज का आंसर आप चार्ट्स पे ढूंढते हो वो पुरानी हिस्ट्री में अपने आप दिखने लग जाती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो अगर बैंक निफ्टी को हम लॉग में कर लेंगे और इसी पैटर्न को अगर हम एक बार और देखने की कोशिश करेंगे, तो बैंक निफ्टी ने ये पैटर्न पहले भी बनाया है। कैन वी ऑल सी दिस? इफ हम यहाँ पे जाते हैं और ये चीज चेक करते हैं, तो शरद जी ये पहले भी पैटर्न बन चुका है। इफ यू विल चेक, इफ आई विल शो यू अगेन, so this was the pattern जो कि ये बन रहा था। Can we see this? प्रशांत जी, yes yes। तो अगर ये पैटर्न बन रहा था, उसके बाद हमने 2020 का फॉल देखा था, और जब ये पैटर्न था तो मैं उस वक्त नया नया सोशल मीडिया पे आया था शरद जी, उस वक्त मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में काफी तेज फॉल आने वाला है। उस टाइम पे मेरे को किसी ने बिलीव नहीं किया था, बट क्योंकि ये एक पूरे फॉर्मेट के बाद, मतलब इतना अपराइज के बाद, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा था, तो इट वॉज अ बियरिश पैटर्न। लेकिन दिस टाइम क्योंकि लीनियर पे है और बहुत डिफरेंट तरीके से बन रहा है, देन दिस टाइम इट इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर पैटर्न, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बियरिश पैटर्न, दिस इज गोइंग टू बी अ बुलिश पैटर्न। तो याद रखिएगा, पहला जो पैटर्न बनाता, जो फर्स्ट पैटर्न बनाता वो बियरिश था, जो भी मैंने आपको दिखाया दैट वॉज अ बियरिश पैटर्न। और अब जो बन रहा है क्यों? क्योंकि वो काफी अप ट्रेंड के बाद हमें एक देखने के लिए मिला था, और अब जो बन रहा है दैट इज अ बुलिश पैटर्न, दैट इज अ बुलिश पैटर्न, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पैटर्न्स ज्यादातर बायलेटरल होते हैं, तो दिस इज अ बुलिश पैटर्न जो कि एक रेंज बाउंड सिचुएशन के बाद बन रहा है, राइट? दोनों चीज में अंतर है। तो आपको लर्निंग क्या मिली?
प्रशांत, लर्निंग ये मिली कि अगर रेंज बाउंड के बाद बनता है तो बुलिश, और अगर एक उसके बाद बनता है, एक अप ट्रेंड के बाद अपसाइड बनता है तो बियरिश। क्लियर है? ओके ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई। अब मैं इसको रेंज बाउंड क्यों बोल रहा हूँ प्रशांत, अब इसको दो तरीके से समझिए आप। अगर ये पुराना प्रीवियस हाई देखोगे, तो प्रीवियस हाई लगभग लगभग प्रीवियस हाई जब क्रॉस किया तो उसी को इसने क्या लिया, एज अ सपोर्ट सपोर्ट लिया, तो ये लॉ ऑफ लिया। पोलैरिटी हो गया। सो व्हाट वी विल डू, हम इसको लिख देंगे लॉ ऑफ पोलैरिटी। इसको हमने लॉ ऑफ पोलैरिटी लिख दिया ग्रे कलर से। सो दिस इज द लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन। इसका मतलब क्या है शरद जी, कि अगर लॉ ऑफ पोलैरिटी बिल्कुल क्लियर है तो इसको हम पैटर्न मानने के लिए मजबूर हैं। दिस इज अ पैटर्न जो कि चल रहा है। तो इस राइट पैटर्न का सर, टारगेट क्या हुआ, इस पैटर्न का टारगेट सेम वही हुआ जो ये पूरे पैटर्न का टारगेट हुआ जो हम लीनियर पे देख रहे हैं। राइट, ये लीनियर पे क्या देख रहे हैं, लीनियर पे हमें पूरा पैटर्न देख रहे हैं। तो लीनियर के पैटर्न का टारगेट और लॉग के इसका टारगेट इज सेम। तो हम क्या समझते हैं कि अभी जो बैंक निफ्टी 44,000 चल रहा है, आने वाले टाइम में ये बैंक निफ्टी, आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में ये बैंक निफ्टी आपका कहाँ जाने वाला है, करीबन करीबन 60,000 का लेवल टच करने वाला है। 60,000, याद रखिएगा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसको ले जाने वाले 2-3 ही बैंक होंगे जो मेजर बैंक होंगे। उसमें से पहला बैंक कौन सा है जिसको हम सब जानते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा बुलिश हैं, शरद जी। स्टेट प्रसाद की हंसी से तो मैं समझ गया शरद जी। बैंक ऑफ इंडिया सर। अरे वेरी वेरी गुड सर। राइट, तो पहला कंफर्मेशन सर ये है कि इसको ले जाने वाला आपका इकलौता बैंक होगा जो सबसे ज्यादा अग्रेसिवली इस पे वर्क करेगा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स प्राइवेट बैंक होंगे, बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पहला होगा वो इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्लियर? ये मैंने आपको एक ओवरऑल आउटलुक दे दिया जो आपके लिए ओवरऑल काम आएगा, पूरे साल के लिए काम आएगा, यहाँ से कि 60,000 बैंक निफ्टी को जाना ही जाना है। एंड वाई दिस इज अ बुलिश पैटर्न, क्योंकि जबकि ये रेप्लीकेट है पुराने पैटर्न का। ठीक है प्रशांत, डन। करेक्ट चलिए, तो इन सबको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा रहे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रीवियस मंथ शरद जी हमने बहुत बेयरिश कैंडल देखी, दिस इज अ सुपर बेयरिश कैंडल। और जब भी ऐसी बेयरिश कैंडल होती है तो नेक्स्ट मंथ जो बैंक निफ्टी का होता है वो हमेशा बेयरिश ही ज्यादातर देखा गया है। राइट, इफ यू विल सी, इस कैंडल के बाद ये इसका नया लो बना, इस कैंडल के बाद नया लो बना, इस कैंडल के बाद नया लो बना, ये तो इसी का कंटिन्यूएशन था। इस कैंडल के बाद नया लो, इस कैंडल के बाद नया लो। तो जनरली हम क्या देख के चल रहे हैं कि ये मंथ सितंबर मंथ जो है उसमें भी हो सकता है हमें एक नया लो देखने के लिए करेक्ट मिले, और सबकी एक्सपेक्टेशन को आगे मतलब निकालते हुए या सबकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग जाते हुए बैंक निफ्टी आपको सरप्राइज मूव दे और 1,000 पॉइंट्स और नीचे जाए जहां से चल रहा है। लेकिन क्योंकि अगर आपने हमारी निफ्टी वाली वीडियो देखी दोस्तों, तो उसपे भी मैंने आपसे बोला था लाइफ आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी बैंक निफ्टी और निफ्टी में पैसा कमाने की, और वो अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी की कहाँ होगी, 42,800 से 43,000 अगर इस मंथ आपको मिल गया तो। कोई भी न्यूज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, नीचे जा सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ पास कर दे, हो सकता है कुछ भी हो जाए, कोई भी रीजन बन सकता है, उस रीजन की तरफ मत जाएगा। आपको सिर्फ फिगर याद रखनी है, 43,000 बोल रहा हूँ तो 43,100 से ही कॉल बाय शुरू करना है, और अगर 42,800 बोल रहा हूँ तो 42,700 तक भी आपको कॉल बाय करना है। 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए शरद जी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर जी, है? कोई कोई बड़ी ठीक बात है, नहीं। तो ये तो हो गया सपोर्ट इस टर्म्स पे, लेकिन हम इसको पहले और कंफर्म करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो ऑन दी हेकेनाशी चार्ट, और हेकेनाशी चार्ट पे देख रहे हैं अभी तक प्रशांत कोई भी सपोर्ट ब्रीच नहीं हो रहा है। राइट, राइट तो सर, करेक्ट प्रीवियस मंथ का जो सर, सपोर्ट था दैट इज 43,600। तो अभी हम वेरी शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी शॉर्ट टर्म सितंबर मंथ सपोर्ट, सितंबर सपोर्ट इज 43,600, चलेगा? जी सर, ये बिल्कुल ठीक है, डन। तो 43,600 वेरी शॉर्ट टर्म, ये कहाँ पे आया इसके भी रीजन हमें लिखना पड़ेगा, मंथली हेकेनाशी चार्ट। क्लियर, डन। अच्छा, क्योंकि अब ये लास्ट मंथ है तो हमें सितंबर मंथ भी देखना पड़ेगा। शरद जी सारा गेम यहीं पर है, सितंबर क्योंकि क्वार्टर का चार्ट है और सितंबर मंथ लास्ट मंथ है, तो जी। इसी कैंडल का हेकेनाशी का लो कितना है, 41,300 अराउंड, करेक्ट 40 जी सर, 41,300 लो आ गया। तो 41,300 से पहले अगर हम एक बार कैंडल भी देखेंगे तो कैंडल का भी करीबन करीबन 40,000 41,000 आ रहा है। सो क्लियर बात है कि आपके लिए आपका जो 3 मंथ्स का है सपोर्ट वो आपका आ रहा है 41,000 के अराउंड, 41,000 से आपका 40,800 के अराउंड, जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ऑलमोस्ट नो इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए तब होगी जब ये कुछ डिसाइसिव लेवल्स क्रॉस करेगा, जैसे कि 42,800, तब हम बात करेंगे इसके लिए, लेकिन जी देर सर, इज नो इंपॉर्टेंस। ये मैंने लिख जरूर दिया है, 3M का मतलब है वो कंपनी नहीं है, 3M का मतलब है 3 मंथ्स, तो इसको मिसअंडरस्टूड मत करिएगा। जी
क्लियर। सो इधर पे हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन प्रशांत यहाँ पे एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि आपका ये जो पूरा जोन था, जैसे मैंने आपको किस पे दिखाया था, निफ्टी में दिखाया था, मैं यहाँ पे भी आपको ये चीज क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप ये पूरा एक जोन लेंगे जहां से पहले बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था हाई क्रॉस करने में, स्ट्रगल किया तो उसके बाद दो क्वार्टर मतलब 6 मंथ स्ट्रगल किया इस जोन को क्रॉस करने में, तो सर सिंपल सी बात है ना शरद जी की, ओम प्रकाश जी, हमें ये जो सपोर्ट जोन है ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि यहां से और यहां से जो स्ट्रगल हुआ था ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो जो सेम निफ्टी का स्ट्रगल था वही बैंक निफ्टी का स्ट्रगल था। तो हमें मालूम है कि 42,000 और 42,800 ये पूरा जोन है जिसको बैंक निफ्टी किसी भी हाल में नीचे क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपैक्टफुल जोन हो गया। तो सपोर्ट के आगे हम क्या लिख देते हैं, सपोर्ट, इंपैक्टफुल सपोर्ट, मैं यहाँ पे इंपैक्टफुल सपोर्ट लिख देता हूँ, हर जगह से हमने कंफर्म करा इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है इंपैक्टफुल सपोर्ट, क्लियर? ठीक है, तो जोन हो गया हमारे, आपका ये तरीका हो गया। अब पॉइंट क्या है प्रशांत, अब इसको हम रीकन्फर्म करेंगे अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट से। सो वी विल गो एंड चेक वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, हम इसको वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे चेक करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इनको हम लोग क्लियर कर लेंगे, देयर इज नो नीड ऑफ दिस, क्लियर होना चाहिए चार्ट्स को, डन। शरद जी बहुत ब्यूटीफुली हमें ये चीज दिख रही है यहाँ पे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना था जो कि 43,600 था। जी सर, राइट, कब से था ये सर? अगर आप इसका देखोगे तो ये था आपका मई 2023, तो ऑलमोस्ट आपका कितना हो गया, इधर से मई 2023 बोल रहे हैं तो करीबन करीबन आपका 4 महीना हो गया, 4 मंथ्स हो गए, 4 मंथ से यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है जो कि अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो या तो ये डबल बॉटम बना के ओम प्रकाश जी लौट जाएगा, अगर ये हुआ तो या तो ये ऐसे डबल बॉटम बनाएगा एंड देन वी विल हैव अ बाउंस बैक, राइट, और अगर ये ब्रीच कर गया तो इसके प्रसाद क्या इंपैक्टफुल हो सकता है, क्या इसका सिनेरियो हो सकता है कि हो सकता है ये कोई पैटर्न बना दे और नीचे में आपका यहां तक हम सपोर्ट गिरते हुए देख ले, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि 42,800 बहुत यूजफुल सपोर्ट है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है शरद जी, राइट, ठीक है शरद जी, इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो पॉसिबिलिटी कहां से हो सकती है? सो अगेन वी विल चेक दिस वन, और मान लेते हैं कि हम यहाँ पे ये जो दो लोज हैं इनको लेते हैं और कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम इसका मिडिल जोन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक चैनल आ गया, ठीक जी। अब इस चैनल को अगर हम एक जोन में डिवाइड करेंगे तो वी वुड गेट टू नो कि ये जो पूरा जोन है बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट जोन है। तो दो जगह से हमें कंफर्मेशन हो रही है ओम प्रकाश जी, पहले कंफर्मेशन कि आपके लिए ये राइजिंग चैनल में है जहां पे इस राइजिंग चैनल का एक सपोर्ट है वो काम कर रहा है, प्लस ये डबल बॉटम हो सकता है यहाँ पे बनाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी जब हम बात करते हैं कि ये 43,500 43,600 तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा ये बहुत इंपैक्टफुल जोन है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम और किसी लेवल की भी बात नहीं करेंगे, और नीचे भी जाता है तो हम तब तक बुलिश रहेंगे जब तक ये 42,800 आपका होल्ड करता है, 42,800 होल्ड करेगा तो आपके लिए जो ओरिजिनल सपोर्ट जोन हो गया वो 42,800 से 43,600 का हो गया, राइट, और यही जोन है जब आपको पैसे कमाने का बैंक निफ्टी भरपूर मौका देगा, और 1 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, 3 मंथ नहीं, अगले 6, 7, 8 महीने देगा, क्योंकि जो ओवरऑल मैंने पैटर्न बताया उसका बुलिश जो व्यू है वो फिनिश नहीं होने वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी, डन। सो दिस इज वन थिंग। अब शरद जी अगर इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं और इसी को मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूं तो डेफिनेटली हो सकता है ये पूरा जोन ऐसे चल रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये पूरा जोन है जिस जहां पे ले रहा है, तो अगर ये लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन बना तो हमें एक और पैटर्न मिल गया जो ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, करेक्ट। एक और पैटर्न कौन सा हुआ आपके लिए, ये पैटर्न हो गया जो कि आपको 48,400 तक लेके जा रहा है। सिंपल गणित क्या बोलती है कि अगर आपका ये 48,000 जाने वाला है और यहाँ पे अगर मैं चैनल को रेप्लिकेट कर रहा हूं तो ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस आना चाहिए जहां तक हम इसको रेप्लिकेशन देख रहे हैं। सो लेट मी शो यू, दिस इज ऑलमोस्ट दी सेम प्राइस, क्योंकि ये जो पूरा जोन आएगा ये लॉग और लीनियर के बेसिस पे आएगा। अगर मैं इसको लॉग कर देता हूं तो लॉग चार्ट पे शरद जी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आपको वही जोन मिलेगा, 48,900 से 49,600-800, करेक्ट प्रशांत? राइट। तो तीन चीजें हमने प्रूव करी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे डालूंगा, इसको आप लोग को याद रखना है, तीन चीजें प्रूव करी। पहला कि अगर ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को मैं यहां पे डाल देता हूं, इफ दिस इज अ सपोर्ट जोन, राइट, इसी को मैं दोबारा यहां पे ले लेता हूं, इफ दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट जोन, जिसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं ताकि ये क्लियर दिखे,
then this can become a pattern which is double bottom, right? Right. Right, sir. डबल बॉटम के साथ और क्या बनेगा प्रेशर? डबल बॉटम के साथ अगर ये बिल्कुल सही बैठा जिस पे हम बात कर रहे हैं तो ये बनेगा लॉ ऑफ पोलैरिटी, ठीक है? और अगर लॉ ऑफ पोलैरिटी भी सही रहा तो जो हम राइजिंग वेज की बात कर रहे हैं, राइजिंग वेज, उसकी भी कंफर्मेशन आ जाएगी जी। राइट। तो सर एक सिंपल सी बात है, हमें तीन तीन पैटर्न की तीन तीन कंफर्मेशन मिल रही है, डबल बॉटम, वी शेप, आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी और राइजिंग वेज जो हमने ओवरऑल दिखाया। सो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है प्रशांत, कि ये निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एक इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो हो सकता है कि अगर किसी भी पैनिक में बैंक निफ्टी, क्योंकि वो मंथ वाला एनालिसिस मत भूलेगा, मैं फिर कह रहा हूं एक चीज को पकड़ने के लिए दूसरी चीज हम नहीं भूल सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी किसी मंथ भी इतना बड़ा एक कैंडल बनाता है तो सेकेंड मंथ उसका लो लगाता है, इसका मतलब सेप्टेम्बर में हमें एक नया लो मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो सितंबर में नया लो मिला तो उस लो पे हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है और वो क्या है, बाय करो, जितना कर सकते हो उतना करो, आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करो। लेकिन जैसे मैंने निफ्टी वाले में बताया था दोस्तों, वो याद रखेगा, सितंबर मंथ नहीं, आपको अक्टूबर मंथ नहीं, अगर अक्टूबर मंथ से भी काम ना बने आपका थोड़ा सा और भी हो तो नवंबर मंथ की आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करिएगा, चाहे फिर वो पुट लेके हेज करिएगा या ऊपर आप वहां पे जितना भी टाइम वैल्यू दे रहे हैं उसको आप एक तरह से जस्टिफाई कर सकते हो बाय टेकिंग दी हेजेस, लेकिन आपको लेना है, बाय करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस मंथ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी बिल्कुल डरा सकता है एंड डेफिनेटली उस जगाने का आपको फायदा लेना जहां बाकी रिटेल ट्रेडर्स डरे डरे घूम रहे होंगे। आप अगले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में शायद हो सकता है अगले 1 साल में, 2 साल में आप 60,000 के लेवल तक भी जाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर सेप्टेम्बर मंथ एक जो टिक लगेगा नीचे साइड वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ऊपर के लिए आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग क्योंकि उसके लिए डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट जाना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के लिए आपको हमारा जो डेली का एनालिसिस है वो देखना पड़ेगा, जो शरद जी करते हैं बहुत ब्यूटीफुल ढंग से करते हैं, वो आप लोग को देखना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके मालूम चलेगा कि हर वीक ऑन वीक ऑन डेली बेसिस पे आपके टारगेट्स क्या है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू विल लाइक इट, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अभी हैंड टू हैंड लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम लेते हैं सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हम अपने मेंबर्स से रिक्वेस्ट करेंगे। सर एज अ व्यूअर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो प्रशांत, शरद जी, ओम प्रकाश जी, तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क सर। सर क्वेश्चन तो कोई नहीं है लेकिन आपने जैसा एक्सप्लेन किया वो बहुत जबरदस्त था, आंखें खुली की खुली रह गई सर, हर एक एंगल से आपने दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, और सितंबर मंथ पर्टिकुलरली हमारे लिए काफी कुछ लेके आ सकता है, जैसे कि आपने निफ्टी में भी दिखाया था एग्जैक्टली दोनों में, जी तो काफी अच्छी उम्मीदें बांध दी हैं आपने सर, अब बस अब सर बस अब तैयारी, एक्शन लेना है और एक्शन वेट लेना करना है, है। जी, वेट करना है, बिल्कुल पेशेंटली वेट करना है, देखिए कौन नहीं ओके काम पे। कर पाएगा, ओम शरद जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इसलिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, सर इसमें कौन काम नहीं कर पाएगा, जो लोग दिन भर 50, 100, 200, 100 मतलब पॉइंट बैंक निफ्टी में अटके रहते हैं ना, वो जी कभी भी इस जी चीज को नहीं समझ पाएंगे कि एक बार में आप 1,000 पॉइंट कमाओगे तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा आपके मेंटल, आपके मतलब आपके ऑरा में, आपके प्रॉफिट्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा वो आप अभी शायद नहीं समझ रहे हो। आप अगर जब जो जो लोग 50, 100 पॉइंट्स के लिए आज बैंक निफ्टी में किसी भी हाल में 50 पॉइंट निकालने हैं, 100 पॉइंट निकालने हैं, वो लोग इस पॉइंट को मिस करेंगे, और जो लोग 3 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी अगले 3 महीने में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है, तो बिलीव करिए आप सब मेरी बात को बहुत सीरियसली लेंगे। राइट सर। यस, ओम प्रकाश जी। राहुल सर, आपने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव का नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल सर। तो एक जब वो वर्ल्ड चैंपियन थे तो एक ऐसी स्थिति थी कि कोई ह्यूमन बीइंग उनको बीट नहीं कर पाता था, ओके, तो उन्होंने क्या किया, सुपर कंप्यूटर्स बनाए जिसके साथ में उनके मैचेस करवाए थे, ओके, तो बट दैट सुपर कंप्यूटर आल्सो कुडंट बीट। तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि आपने जो है जो एनालिसिस करी है वो सिर्फ ये प्राइस एक्शन के ऊपर करी है, किसी जो मशीनी तौर पे जितने भी जो इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स बने हैं या और चीजें बनी, किसी का आप हेल्प नहीं लेते हैं, सो यू आर लाइक दैट सुपर ह्यूमन बीइंग हु डज ऑल हिज एनालिसिस जस्ट विथ नेकेड आईज एंड योर ब्रेन।
So amazing. It's a Thank very, you. very amazing Thank you. analysis. And I don't think anybody else can do analysis like this. थैंक यू सर. ओम प्रकाश जी, बस मेरा मोटो ये है कि अगर कोई एक व्यूअर भी हमारी टीम के अलावा, क्योंकि हम लोग तो अपने स्क्रीनशॉट्स डालते रहते हैं और जो भी देते हैं उसका स्क्रीनशॉट डालते हैं, जेन्युइन स्क्रीनशॉट है, जब आप जब बोलेंगे तब आपको उसको वेरीफाइड पेनल्टी देंगे. पॉइंट ये है सर, अगर हमारे व्यूअर्स जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें से एक जन भी इस बैंक निफ्टी के ट्रेड में सक्सेसफुल हो गया तो सर हमारी मेहनत काम आ जाएगी आज की, राइट? एक जन भी सक्सेसफुल हो गया, बिलीव करिए, उसका किसी ने भी अगर अपना स्क्रीनशॉट दे दिया, बोला राहुल सर ये आपकी वजह से या हमारी टीम की वजह से उन्होंने ये प्रॉफिट कमाए 3 मंथ्स बैंक निफ्टी में, अगर कोई 3-4 हज़ार पॉइंट्स कमाता है तो सर बिलीव करिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो जी सकती. सर, तो जी सर, मेरे बिल्कुल ख्याल से अगर इतना इम्पैक्ट हम लोगों के माइंड पे छोड़ पाए या डाल पाए कि आपके सामने पैसा पड़ा हुआ है बस आपको उठाना है, तो बिलीव करिए यू आर ऑल सेट टू टेक एज मच एज मतलब एज मच एज यू वॉन्ट प्रॉफिट एट ए होम, राइट? जी सर, प्रशांत, यू हैव टू राइट. से समथिंग. नो सर, सबसे अच्छा तो मुझे वही लगा कि आप क्या आपने 60,000 के लेवल बताई कि वहां तक जा सकता है, वो भी ऐसे कन्विक्शन के साथ कि यहाँ से और 16,000 पॉइंट दूर. और लोग क्या सोचते हैं कि 100-200 पॉइंट कमा लेंगे महीने में, 1-2 हज़ार पॉइंट, मतलब बहुत ज्यादा. बट उसमें उसमें प्रसाद एक्चुअली मेरा अपना खुद का इंटरेस्ट था. मैं SBI को किसी भी हाल में लेके जाऊंगा और वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक लोगों ने सोचा नहीं होगा. सोचा नहीं होगा, मैं बिल्कुल हर पॉइंट पे आपसे बोलता रहा हूँ, आप लोग से बोलता रहा हूँ, SBI इज द नेक्स्ट HDFC जो अब बनने वाला है. बहुत वैल्यूएशन SBI को मिलने वाली है. बस आप लोग से रिक्वेस्ट ये है, SBI को हर गिरते हुए भाव पे पकड़े रहिएगा. और सिर्फ इसमें आपने जो ITC की मूव देखी, टाटा मोटर्स की जी मूव देखी, वो SBI की मूव आना बाकी है. बिलीव करिए SBI इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू. इतना अच्छा स्टॉक, इतना सब कुछ ठीक है, बस आपको बिलीव रखना है SBI और बैंक निफ्टी के चार्ट पे. बिल्कुल बिल्कुल जी सर, सर. तो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई ऐसी दुविधा है जो आपके मन में है, अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लगता है कि हम आपकी किसी और हेल्प आ सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. वी वुड लव टू हेल्प यू. और इसके साथ साथ हम निफ्टी का भी जो लिंक है वो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे एंड पिन कमेंट में भी डाल देंगे. वहां से जाके आप हमारी मंथली निफ्टी एनालिसिस भी देखिए और अपना प्यार ऐसे हम पे बनाए रहिए. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. थैंक्स अ लॉट. बाय.